आपने कोरोना की तमाम सारी खबरें देखी और हमने ये बताने की कोशिश की कि ये संक्रमण काल कितना खतरनाक है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी क्षमताओं के मुताबिक लगातार काम कर रहे हैं। वहीं ऐसे में उनके सहयोगी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, जो अब मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य और गृह मंत्री हैं, वो भी पूरी शिद्दत के साथ अपने काम में जुट गए हैं। नरोत्तम मिश्रा के बारे में अगर हम समझें तो एक पता चलता है कि डबरा से निकलकर भोपाल तक आने वाले नरोत्तम मिश्रा बहुत जुझारू किस्म के व्यक्ति हैं। युवा राजनेता से उन्होंने अपना जीवन शुरू किया, संघ के स्वयंसेवक रहे और हर काम को अंजाम तक पहुंचाना उनकी खूबी है। लंबा राजनीतिक अनुभव, जिसके कारण अब वो सीएम मटेरियल नेता माने जाते हैं। और बड़े यकीन के साथ मैं इस बात को कह सकता हूं कि कहीं ऊंच नीच होती और शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इस बार नहीं बनते तो यकीनन नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होते। वो सीएम मटेरियल हैं, उनमें वो क्षमताएं हैं, उनकी कार्य पद्धति उस किस्म की है, उनके समर्थक उस किस्म के हैं और वो कुछ हमेशा नया करने में यकीन करते हैं। हाल ही में विषम परिस्थितियों में उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली, जिस तरीके से काम को अंजाम देना शुरू किया है बहुत चौंकाता है अपने आप में कि एक आदमी जो कुछ दिन पहले तक विपक्ष का निशाना बना हुआ था, उसने आते ही पहले विपक्ष को निशाना नहीं बनाया, पहले अपना काम संभाला। स्वास्थ्य और गृह, ये दो विभाग जिसमें सर्वाधिक कोरोना वॉरियर्स हैं, उनका उत्साहवर्धन करना, उनको डील करना और इस प्रयास को करना कि किसी भी किस्म से, किसी भी तरीके से, कुछ भी करके कोरोना के संक्रमण को बढ़ने से रोका जाए, ये उनकी प्राथमिकता है। और मुझे लगता है नरोत्तम मिश्रा इस काम को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। कांग्रेस जो कर रही है वो कांग्रेस का धर्म है, कांग्रेस का काम है आरोप प्रत्यारोप लगाना, वो लगाए, वो विपक्ष में है, उनके पास यही हथियार है, इसका प्रयोग उन्हें करना चाहिए। विपक्ष के पास एक ही अस्त्र बचा है, लेकिन कांग्रेस जिस किस्म के अस्त्रों का प्रयोग कर रही है वो भौंत रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में ऐसा कुछ नहीं किया पिछले 14 महीने में कि उनको याद किया जाए। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके कारण उनकी वाहवाही हो। कांग्रेस ने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि जिसके कारण कांग्रेस को अब बीजेपी सरकार पर आक्षेप लगाने का हक हो, लेकिन विपक्ष के नाते उनकी जिम्मेदारी है, उसे वो निभाएं, लेकिन सकारात्मक विपक्ष की तरह, खाली आरोप लगाने के लिए आरोप ना लगाएं। हम बात कर रहे थे नरोत्तम मिश्रा की। नरोत्तम मिश्रा के बारे में बीजेपी में भी चलता है नरों में उत्तम नरोत्तम। नरोत्तम मिश्रा ज्ञानी है, समझदार हैं, चालबाज कम है, वो यारबाज ज़्यादा है, लोगों से दोस्तियाँ निभाते हैं, अपने कद को लगातार बढ़ाने में लगे हैं। और चलते चलते मैं कहना चाहूँगा, कई बार उनके भीतर एक मुख्यमंत्री नज़र आता है, उनकी जो कार्यशैली है वो हमेशा चौंकाती है। वो सबके साथ हैं, सबके विकास की बात करते हैं, लेकिन इस गंभीर परिस्थिति में जिस तरीके से वो मध्य प्रदेश के लिए काम कर रहे हैं, इस कारण उनकी प्रशंसा तो बनती है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।